Hi guys, so today we are going to start about the eyes. So how the human eyes look like? So in beginner Shraddha we have completed the first chapter, so chapter 9 of the physics, the light, reflection, refraction of light. And now today we are going to talk about the eyes. So before going to talk about the eyes, let me tell you about the beginner Shraddha. Beginner Shraddha is a formal education platform where you can just watch our video and you can cover your school syllabus. It's totally CBSC syllabus based, NCERT based. So you can just go and watch the video and practice your questions. And whatever the doubt you have, you just put in your group. I will revert accordingly. So चलते हैं हम लोग विज्ञान श्रद्धा के नेक्स्ट सेक्शन पे. एंड क्या करना है, सो इस नेक्स्ट सेक्शन में टुडे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द आई हम क्या क्या कवर करेंगे. सो दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, यू गाइस मे बी अवेयर अबाउट इन साइंस इफ यू गो इन द सिलेबस. सो अगर आप देखेंगे जो सिलेबस में क्या क्या हमने कवर किया, तो आप देखेंगे कि लाइट का ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हमने कवर किया. अब ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में हमने क्या कवर किया, तो आप अगर ध्यान से उसमें देखेंगे कि हमने जो कवर किया, तो उसका कवर करने का जो चीज़ें थी लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में हमने मिरर और लेंस को कवर किया. अभी हम ह्यूमन आई को कवर करेंगे. ह्यूमन आई में कवर करेंगे कि ह्यूमन आई में एक्चुअली क्या क्या फेनोमेनन है, कैसे काम करता है ह्यूमन आई. आफ्टर दैट दिस विल टेक टू सेशन. ह्यूमन आई को हम लोग दो सेशन में कवर करेंगे. एंड उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपका यहाँ पे टू सेशन में ह्यूमन आई कवर होगा. एंड आफ्टर टू सेशन ऑफ ह्यूमन आई हम लोग क्या करेंगे, टू सेशन ह्यूमन आई को कवर करके इलेक्ट्रिसिटी को टू सेशन में, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करेंट टू सेशन में कवर करके एनवायरमेंटल साइंस के जाएंगे. सो ह्यूमन आई को कवर करने के लिए हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं, जो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करके रखा है आपके लिए. सो टू सेव आवर टाइम चैप्टर 10 पे आ जाता हूँ. सो आपने क्या पढ़ा था, अगर आप गौर से देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में. बिफोर ह्यूमन आई के बारे में हमने ये पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था हमने, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेनन कहाँ हो रहा था, लेंस में. कौन सी लेंस हम लोगों ने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने कंकेव लेंस, एक हमने पढ़ा था कन्वेक्स लेंस. तो इसी कंकेव कन्वेक्स के कॉन्सेप्ट पे ही ह्यूमन आई काम करेगा आपका. सो ह्यूमन आई कहां पे काम करेगा, कंकेव और ये कन्वेक्स, इसी के कॉन्सेप्ट पे आपका ह्यूमन आई काम करता है. तो कंकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस आपको कंफ्यूज नहीं होने का, ये है एक्चुअल कन्वेक्स लेंस और ये है एक्चुअल कंकेव लेंस. तो उल्टा नहीं होने का, मिरर में देखो, आपने मिरर में क्या कहा था, कंफ्यूज नहीं होने का. इसको आपने बोला था कंकेव, मींस जिसका इनसाइड होगा वो कंकेव होगा. तो जिसका इनसाइड तो ये हुआ, तो ये कंकेव हुआ. और ये जो आउटसाइड होगा, जिसमें आउटसाइड वर्क करेगा, लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो ये होगा कन्वेक्स. तो मिरर में जो कंकेव हो रहा था, एक्चुअल जितने फेनोमेना, वो आपका लेंस में कन्वेक्स में होता है. यही चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीजों को समझना है. सो हम लोग क्या कर रहा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया था. उसमें हमने देखा था कि क्या क्या देखा था, डिफरेंट पोजिशन पे हमने देखा था, डिफरेंट पोजिशन पे जब लेंस के सामने हमने आई रखता है इसको, ऑब्जेक्ट को, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ आईज बनता है. सेम आपका ह्यूमन आई में भी होता है. सो ह्यूमन आई में क्या होगा, ह्यूमन आई एक्जेक्टली जो वर्क करता है, इसमें कैमरा टाइप का फंक्शन है. सो कैमरा के टाइप का फंक्शन पे काम करता है ह्यूमन आई, कैमरा. सो कैमरा के टाइप का फंक्शन पे काम करता है. और अगर जब मैं आपको कैमरा के लिए बात करूं ना, सी ए एम ई आर ए, अगर आप कैमरा के लिए बात करेंगे,
तो कैमरा को जब भी आप सोचेंगे तो उसमें लेंस टाइप के कॉन्सेप्ट होगा ही होगा। विदाउट लेंस टाइप कॉन्सेप्ट यू कांट इमेजिन ए कैमरा। आपने किसी कैमरा को देखा जो विदाउट लेंस से काम करता है? नो, नेवर। क्योंकि कैमरा को लेंस तो चाहिए ही ना, बिकॉज लेंस इज यूज फॉर द फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज। सो ह्यूमन आई में भी कैमरा का कॉन्सेप्ट ही काम करता है। लाइट एंटर आपके आई में एंटर करता है, और कहाँ से एंटर करता है? तो ये देखो, ये जो कोरोनिया है, ये कोरोनिया, कोरोनिया से ये लाइट एंटर करेगा। कहाँ से लाइट एंटर करेगा? ये कोरोनिया पोर्शन है, ये कोरोनिया। सो कोरोनिया से ये लाइट एंटर करेगा आपके बॉडी में, और सॉरी आपके आई में। और जो आई बॉल, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि आई बॉल जो अपना होता है, क्या होता है? वो एस्फेरिकल शेप में होता है, और उसका जो डायमीटर होता है जनरल आई बॉल का, ये 2.3 सेंटीमीटर होता है। और सो क्या होता है, जब लाइट आपका कोरोनिया में एंटर करता है, तो आपका ऐसा फंक्शन स्टार्ट होगा कि सब मोस्ट ऑफ जो लाइट है ना, वो रिफ्रैक्शन होगा कोरोनिया से। मोस्ट ऑफ द लाइट कहाँ से रिफ्रैक्शन होगा? कोरोनिया से, फ्रॉम हियर, कोरोनिया से रिफ्रैक्शन होगा एंड एंटर इन द आई एंड आउटर सरफेस ऑफ द कोरोनिया। सो यही पे इनका रिफ्रैक्शन हो जाएगा मोस्ट ऑफ आई का। एंड देन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्रिस्टलाइन लेंस, उसके बाद आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस पार्ट। सो आपको समझना पड़ेगा, तो क्रिस्टलाइन लेंस तो है वो एग्जैक्टली क्या करता है, यहां से तो हो ही जाता है रिफ्रैक्शन, बट इसको थोड़ा फाइन इमेज को प्रोड्यूस करता है दिस क्रिस्टलाइन लेंस। सो कोरोनिया में मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो आपको इमेज को फाइन करता है, फाइन फोकस करता है आपके इमेज को। ओके, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, लेट मी चेक वन थिंग, आई गिव यू वन मिनट जस्ट। Okay, it's working. So after that, what will happen? So the crystalline lens will provide the finer adjustment. It's clear written here. Now provide the finer adjustment of the focal length required for the focus of the object in different distance of the retina. And the retina क्या, ये जो पीछे, याद रहे, retina आगे का portion है, retina होता है पीछे के portion. This is retina portion. And what inside the retina? Actually, जो ऑप्टिकल नर्व्स होता है, जब हमारा लाइट यहाँ से एंटर होता है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट इज द कोरोनिया से यहाँ पे ही हमारा रेफ्रैक्शन हो जाता है, रेस्ट पार्ट इज रेफ्रैक्शन हियर एंड दे विल फॉर्म इमेज हियर। सो जो इमेज यहाँ पे फॉर्म करता है, वो इमेज क्या होता है हमारा, ये लाइट सेंसिटिव यहाँ पे हमारा मसल्स होता है, नर्व्स होता है, ये इसको डिटेक्ट करता है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है जो हमारा माइंड में, दिमाग में जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा दिमाग उसको फील करता है उसके सिग्नल को, तो वो इमेज फॉर्म होता है। तो ओके, एंड वो इमेज फॉर्म होने के टर्म में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको और समझना है। आयरिस क्या होता है? आयरिस देखो, यहाँ पे ये जो साइड वाला पोर्शन है, ये आयरिस है। आयरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्रैगम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पॉपुल। अब ये पॉपुल क्या है? द पॉपुल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। जैसे आपकी सूरज का प्रकाश बहुत तेजी से पड़ता है आंख पे, तो आपको क्या होता है, वो आंख खराब होने का, तो आप क्या करते हो, उसको कंट्रोल करने के लिए आंख को थोड़ा कम करते हैं, बंद करते हैं, वो सब। तो पॉपुल का काम है आपका लाइट को कंट्रोल करना, जो इमेज ऑफ लाइट वर्क करता है। आयरिस क्या है? आयरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्रैगमेंट दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पॉपुल। सो पॉपुल खुलेगा बंद होगा, इसको कंट्रोल करता है आयरिस। और पॉपुल का काम क्या है? वो खुलने बंद होने से वो लाइट को कंट्रोल करता है। ओके, द आयरिस और आयरिस जो है, आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि आयरिस क्या इमेज बना रहा है। द आयरिस फॉर्म इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। आपको मैंने बोला रेटिना क्या है, रेटिना अगर आप इस ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो दिस इज द रेटिना। सो रेटिना क्या है? रेटिना एग्जैक्टली आपको फॉर्म करेगा वो सारे चीजों। रेटिना एक तरीके से आप बोलेंगे तो ये पीछे का एक स्क्रीन है जिसमें लाइट सेंसिटिव सेल होता है, जो आपको मैंने बोला ही था
इसमें लाइट सेंसिटिव बहुत सारे सेल होगा, द लाइट सेंसिटिव सेल दैट एक्टिवेट अपन, जब लाइट उस पे आएगा ना तो एक्टिवेट एंड वो लाइट को सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा, सिग्नल दैट सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में जाता है, द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल फाइनली एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द वी रिसीव द ऑब्जेक्ट्स एज देयर। सो आपको हो क्या रहा है, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू रेटिना अपने सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करके ब्रेन को देता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करके इसको रिसीव करता है जो ऑब्जेक्ट को ऐसा दिखता है। तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये आई का जो डायग्राम है एंड हाउ आई वर्क लुक लाइक एंड हाउ इट वर्क, आपको इसको बारे में थोड़ा आपको याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, इट्स द बॉडी पार्ट एंड हाउ इट्स वर्क्स। सो आप इसको एक बार ढंग से पढ़ो और इसको आप लेट्स फॉलो दिस एंड व्हाटएवर द कंफ्यूजन वी कैन डेफिनेटली आई एम विद यू। ओके, नाउ कमिंग टू द पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, द आई लेंस इज कंपोज ऑफ द fibrous jelly like material, so eye lens is a fibrous jelly like material there, so this part and this part is the crystalline lens is the fibrous jelly like material, so what happen when its curvature modifies same extent to crystalline muscle, so what happen जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, इसी को इसमें लिखा हुआ है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे ना तो आपको ऑब्जेक्ट का भी, दूर का ऑब्जेक्ट को देखते हैं, नजदीक का ऑब्जेक्ट को भी, अर्थ को आप चेहरा खोल के देखते हैं, कभी आप कम खोल के देखते हैं, तो जब आपका लेंस का साइज, जब अर्थ को आप चेहरा खोल के देखेंगे तो आपका लेंस का साइज बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होने से क्या हो जाएगा ये क्लियर लिखा, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकेम थिन, क्या होगा व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स lens become thin, thus the focal length of the lens is increased, correct? When you are looking at object closer to your eye, the clearing muscles contracts, this increase the curvature of the eye lens then become the thicker and consequently the focal length of eye decrease. So, the nazdeek object ko looking object closer to the eye, उस केस में focal length of the eye become decreased because क्या हो रहा है, जो thicker हो जाएगा आपका वो clearly muscle contracts हो जाएगा, जिससे आपका lens जो है वो thicker हो जाएगा, और ये the ability of the eye lens to adjust the focal, अभी ये क्या है, the power of accommodation यही चीज़ है, ability of the eye lens to adjust the focal length called accommodation. So क्या हो रहा है, आपने देखा एक ही आई लेंस में भी फंक्शन नहीं था, बट आपको जेली टाइप का स्ट्रक्चर होने से इसमें फंक्शन क्या है कि आप इसको कभी बढ़ा सकते हो, कभी घटा है, थीकर कर सकते हो और कभी थिनर कर सकते हो, थिनर होगा तो भी फोकल लेंथ होगा, थीकर होगा तो स्मॉल फोकल लेंथ होगा, थीकर स्मॉल फोकल लेंथ, ओके, however the focal length of the eye lens cannot be decreased below the certain limit. करेक्ट, सो 25 सेंटीमीटर द सो इस ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डिस्टिंक्टली यू कैन मस्ट हैव 25 सेंटीमीटर जो आई का होगा, सो फोकल लेंथ ऑफ द आई कैन नॉट बी लेस देन फॉर 25 सेंटीमीटर, और उसको बोलते हैं क्या, द मिनिमम डिस्टेंस एट व्हिच ऑब्जेक्ट कैन सी मोस्टली डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस और लीस्ट विजन, ओके, तो 25 सेंटीमीटर जो होता है उसके नीचे के ऑब्जेक्ट को हम लोग मतलब साइज को उस ऑब्जेक्ट को नजदीक आने पे 25 सेंटीमीटर से नजदीक आने पे हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, सो मोर देन 25 सेंटीमीटर होने पे हम क्लियरली देखते हैं, सो उसको हम लोग बोलते हैं द लीस्ट डिस्टेंस विजन, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ आई, least distance vision is also called the near point of eye. For a young adult, our normal vision near point is about 25 cm.
तो आपका 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तभी आप क्लियरली देख पाओगे. ओके, समटाइम्स द क्रिस्टलियन लेंस ऑफ ए पुपुल एंड ओन लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी. मैंने क्या बोला था, ये जो क्रिस्टलियन लेंस होता है, दिस इज ऑल जेली टाइप स्ट्रक्चर, यही छोटा बड़ा होता है. तो जब ओल्ड होने पे लोगों का क्या होता है, मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है, गंदा हो जाता है, मिल्की क्लाउडी. सच कंडीशन कैटरैक्ट, सच कंडीशन कैटरैक्ट, ये आप सुने होंगे, ओल्ड लोगों का इलाज होता है. इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू टू इम्प्रूव द विजन, इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर द विजन थ्रू द कैटरैक्ट सर्जरी. ये जो कैटरैक्ट सर्जरी होती है ना, कैटरैक्ट सर्जरी, सो आपने सुना होगा इसके बारे में. तो क्यों होता है कैटरैक्ट सर्जरी, समटाइम्स द ओल्ड पर्सन ऑफ आई गेटिंग मिल्की एंड क्लाउडी, इन सच सिनेरियो वी आर गोइंग थ्रू द कैटरैक्ट सर्जरी. सो मिनिमम लिस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई. ओके, अभी हम आएंगे डिफेक्ट एंड विजन ऑफ देयर करेक्शन एंड देयर करेक्शन. सो क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, मायोपिया, एक्चुअली तीन टाइप ऑफ, देयर आर मेनली थ्री कॉमन रिफ्लेक्ट ऑफ विजन, दी आर, वन इज द मायोपिया, नियर साइट साइटनेस, हाइपर मायोपिया, फार साइटनेस एंड प्री मायोपिया. दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूज ऑफ द स्फेरिकल लेंसेस. तो मायोपिया क्या होता है, थ्री टाइप ऑफ होता है, एक मायोपिया, एक हाइपर मायोपिया, एक प्रीज मायोपिया. ओके, तो होता क्या है, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस. ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी, अंडरस्टैंड गाइस हियर, कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली. नियर, नियर साइटनेस मींस मैं नियर की चीजें को क्लियर देख सकता है, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, but cannot see the distance object distinctly. A person with this defect has a far point near than infinity. अभी इसमें क्या होता है, मायोपिया में आप देखोगे नियर के ऑब्जेक्ट को तो क्लियर दिख लिया, अभी जब इनका फार का ऑब्जेक्ट, दिस इज द फार ऑब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन, सो इनका एक्चुअली ये देखेगा कब, जब इनका दिस पोर्शन में इमेज बनेगा. हमने तो यही पढ़ा है, दिस रेटिना पे. तो यह क्या हो रहा है, जब फार का ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, मायोपिया में पहले ही इमेज बन जाता है, तो इसको इमेज पहले बनता है तो ये यहाँ पे सेंस ही नहीं कर पाता, दैट्स व्हाई ही इज अनेबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट, बट इन मायोपिया नियर ऑब्जेक्ट ही कैन सी इजली. सो टू कंट्रोल दिस डिफेक्ट, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई. So reason behind is excessive curvature of eye lens. So इस केस में हमको क्या करना होगा, अब क्या कर सकते हो, तो हम लोग क्या करेगा, कंकेव लेंस, we will apply a concave lens, correction के लिए, how to correct it, we will apply a concave lens, and concave lens से हम इसको जो ये पहले इमेज बनाया, we will try to make the image on the retina. So that after receiving the image on retina, the sensitive optic muscles will collect all the signals and send to the brain. Hyper myopia, in far sightness hoga, but near mein nahi hoga. Like this, you can see it. Far ke object ko to ye dekh pa raha hai, but jab ye near mein object aa raha hai, to what will happen in here? Dekho, ye piche ban ja rahi hai. Isko bhi aapko ek baar padh lena. So in such scenario, what will happen? How to control this? So hypermyopia, we need to apply a convex lens so that the image that is crossing there, retina, we will form on the retina. So myopia, hypermyopia, and the prized myopia. The power accumulation of the eye usually decreases with the aging. The most popular, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था पहले भी, प्री मायोपिया ये एज के साथ जब ये मिल्की हो जाता है और ये होने लगता है तो डिफेक्ट आने लगता है, तो उस केस में हाइपर मायो, ये प्री मायोपिया का यूज होता है. द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द
the eye usually decreases with the aging. For most people, the near point gradually decreases away, they find it difficult to see the nearby object comfortably and distinctly without correcting the eyeglass. This effect is called presbyopia. So इसमें भी नियर का ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखता है, बट ये एज के चलते होता है. तो एराइज ऑफ द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द क्लियरली ऑफ द मसल एंड सो आप इतना ही समझो कि ये नियर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, इसके लिए भी उसको लेंस की जरूरत पड़ेगी. नियर के ऑब्जेक्ट को नहीं देखने के लिए कौन सी लेंस लगेगी? आप देख सकते हो कौन सी लेंस लगेगी, तो आपको हाइपरमायोपिया टाइप की कॉन्सेप्ट की लेंस लगेगी. तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इस क्वेश्चन को फॉलो करो. यू जस्ट ट्राई टू व्हाट इज द मीन बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन. सो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, तो यू कैन सी हियर द पावर ऑफ द आई लेंस इज कंपोज्ड टू द फिब्रस जेली लाइक मटेरियल इज द कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड फॉर सम एक्सटेंट बाय द क्लियरली मसल द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस can thus change in the local length. With the muscle are relaxed and the lens become thin, the focal length increase to enable us to see the distance of object clearly. When you looking the object closer to the eye clearly, muscle contract. This increase the curvature of the lens. Eye lens become the thicker and conical. The focal length of the eye lens decrease. This enables see the ability of the eye lens to adjust the focal length is called accommodation. So exactly the answer is in one line, but we should explain about these all the things. It depends on the marks of the questions also. So ability of the eye to adjust the focal length. A person with myopia, I cannot see the object around itna meter distinctly. Myopia. Myopia, near sightedness is okay. Near sightedness is okay. And far sightedness is. So, what should be the type of corrective lens should you restore? What should be the type of corrective lens? So, you have seen here, corrective of myopia cannot see the 1.2 meter distance. So, what should be the lens? You can check that. You already gone through the other concept, you just go and resolve it. I will help if you have any problem. What is the point of near point and the near point of human eye normal vision? Point and near point, far point and near point. The far point जहाँ से आपका eye किसी चीज को नहीं देख पाता है, और near point जहाँ से भी आपका eye नहीं देख पाता है. तो near point is I think 25 centimeter है. A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. What should the defect and child suffering from and can it? So, देखो आपको clear समझना पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हो. देखो यहाँ पे कौन सा लेंस कहाँ पे यूज हो रहा है. मायोपिया में आपने क्या किया? कॉन्केव लेंस यूज किया. हाइपरमायोपिया में क्या किया? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया. तो आपको ये थोड़ा समझ आएगा उसको कौन सी टाइप की बीमारी है, क्या टाइप का प्रॉब्लम है और क्या क्या यूज होता है. So today I am going to close this session now, because it's need to study from your side more. No concept is here. This is just like the basic things are there. So you just go through, you just make the diagram of eye, write down all the parts, how it should work, and the function of eye, the myopia, and all the accommodation, the power of accommodation, all the defects of vision and their corrections. You just go and make the questions answer. And next class, we'll start with the refraction of light through the prism. So we'll discuss about prism, how the prism look like, and how it should function, and how the light is getting divided into the seven colors while passing through the prism. So thank you guys, I'm going to stop this call now. We'll discuss maybe tomorrow or day after tomorrow for the rest of the session. Okay, thank you.